बिस्मिल्लाम रोही वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स टूडे टॉपिक ऑफ़ आवर डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड गट हाइंड गट के डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें हाइंड गट के डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए तो हाइंड गट की जब हम बात करते हैं तो मिड uh, गट की जब उन्होंने बात की थी तो हमने कहा था कि मिड गट आ रहा था हमारे पास जो राइट टू थर्ड ऑफ ट्रांसफर्स को था वहाँ तक हमारे पास मिड गट आ रहा था uh, तो लेफ्ट वन थर्ड ऑफ द ट्रांसफ़र्स को उसके अलावा डिसेंडिंग कोलॉन सिकमोट कॉलॉन को रेक्टम और जो एनल कनाल होती है ये हमारे पास आ जा जाती है हाइंड गट के अंदर उसके अलावा बात करें तो हाइंड गट के अंदर हमारे पास एपिथीलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाती है और मोस्ट ऑफ द the... यूरिथ्रा भी हमारे पास आ जाता है हाइंड गट के अंदर और हाइंड गट को सप्लाई करने वाली आर्टरी की बात करें तो वो होती है हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हमारे पास सप्लाई कर रही होती है हाइंड गट को तो हाइंड गट को डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें का आगा पता होना चाहिए का एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर हमारे पास एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पर एलन टॉयस और जो हाइंड गट होती हैं वो ओपन हो रही होती हैं यानी हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल पोर्शन ऑफ हाइंड गट के ऊपर हमारे पास एक चैम्बर होता है जहाँ पे एल एटोइस और हाइंड गट दोनों ओपन हो रहे होते हैं यानी कुछ इस तरह से हमारे पास एक चैम्बर होता है जहाँ पे एल एटोइस भी ओपन हो रहा है और हमारे पास हाइंड गट भी ओपन हो रहा है अब इस कुलयका के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक सेप्टम अपेयर होता है इस तरह से कुछ ऐसे करके सेप्टम अपेयर होता है जिसकी वजह से कुलयका दो पोर्शन के अंदर डिवाइड होते हैं एक एंटीरियर पोर्शन है और एक पोस्टीरियर पोर्शन है तो जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं यूरो जीनाइटल साइनस क्योंकि ये यूनिनी ब्लड और यूरिथ्रा वगैरह की फॉर्मेशन करवा रहा होता है उसके अलावा जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाता है रेक्टम और एनल कनाल की रेक्टम एंड एन एनल की। अब एनल कलार का भी कौन सा पोर्शन ये बनाता है ये बेसिकली हमारे पास जो क्रेनियल पार्ट होता है एनल क्लार का वो हमारे पास बनता है इस कुलका से क्रेनियल पार्ट हम इसको बुक के डायग्राम से देख लेते हैं बिज़ डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सेप्टम आ रहा है दिस सेप्टम इज द यूरोक्टल सेप्टम ये वाला यूरोक्टल सेप्टम आ रहा है टूअर्स द क्लोएका इस क्लोएका के अंदर हमारे पास एलेंटोइस ओपन हो रहा है उसके अलावा हाण्डर्ट ओपन हो रहा है ये नीचे की तरफ आएगा टूअर्स द क्लोएकल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्लोएकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है अब इस क्लोएकल मेम्ब्रेन की तरफ जब ये आएगा यानी ये हमारे पास है एलेंटोइज़ ये हमारे पास है हाइड गर्ट इस कुलकल मेब्रेन की तरफ ये आके फ्यूज़ कर देगा जिसकी वजह से हमारे पास एंटीरियरली बन जाएगा यूरोजेनाइटर साइनस और पोस्टीलेरी रेक्टम और एनल एनरगेनार ये तो हमारे पास था ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा कि यूरोक्टर सेप्टम आगे आके फ्यूज़ हो गया न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये होता है कि जब ये जो यूरोक्टर सेप्टम होता है ये नीचे की तरफ आ रहा होता है तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा होता है जो सी की वॉल यानी जो कुलका होता है उसकी वॉल्स आपस की तरफ मूव करने लग जाती हैं इन जो लेटरल वॉल्स वॉल्स हो, होती हैं क्लैक् की वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्टीशनिंग हो जाती है इंटीरियरली हमारे पास आ जाता है यूरोक्टल यूरोजेनेटल साइनस और पोस्टीरियरली हमारे पास आ जाता है रेक्टम और एनल कनाल वाला रीजन तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि यूरोरेक्टल सेप्टम ने आकर सेपरेट कर दिया था हमारे पास दो रीजनस के अंदर एंटी यूरोजेनाइटल साइनस और पोस्टीरियर रेक्टम एंड एन एनल एनकनाल लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो हमारे पास इनफोल्डिंग हो जाती है गुलेग का वॉल की इनफोल्डिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्यूब्स की फॉर्मेशन होगी पोस्टीरियरली हमारे पास रेक्टम प्रेजेंट है और एंटीरियरली हमारे पास ये यूरोजनाइटल साइनस प्रेजेंट है तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास एनोरेक्टल हमारे पास बना था रीजन इसके नीचे हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है कुलकल मेम्ब्रेन तो जब कोरोल मेम्ब्रेन हमारे पास रैप्चर करती है तो इस रैप्चर की वजह से क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे अपोपटोसिस शुरू हो है यानी यहाँ पे अपोपटोसिस हुआ अपोपटोसिस की वजह से ये कुलकल मेम्ब्रेन रैप्चर कर गई इस रैप्चरिंग के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास एनोरेक्टल वाला रीजन है यानी जो एनोरेक्टल ल्यूमेन होता है ये टेम्पोरी क्लोज हो जाता है बाय द एपीथीलियल प्लग इस टेम्प्रोरी क्लोजर के बाद क्या होता है कि इसके अंदर रिकर्नलाइजेशन हो जाती है रिकर्नलाइजेशन कैसे होती है कि अपॉप्टोसिस हो जाता है यहाँ पे अपीथीलियल प्लग का अब इस अपॉप्टोसिस की वजह से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एनल पिट तो हमने क्या बात की सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास कुलका था कुलएका की हमने पार्टीशनिंग को देखा दो कॉन्सेप्ट थे एक कॉन्सेप्ट यह था कि यूरो जो यूरोरेक्टल सेप्टम होता है वो इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है दूसरा कॉन्सेप्ट यह था कि जब यूरोक्टल रे, सेप्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि लेटरल वॉल्स ऑफ क्वैका आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं जिसकी वजह से दो कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं इंटीरियरली यूरोजनाइटल साइनस बन जाता है और पोस्टीरियरली रेक्टम और एनल कनाल बन जाती है क्रेनियल पार्ट ऑफ एनल कनाल अब क्या होता है कि जो यूरो पास हो जाता है कब ओब्लीटरेटेट होता है, होता है जब हमारे पास जो क्लोकल मेम्ब्रेन है वो के थ्रू हो जाती है रैप्चर तो क्या होता है कि हमारे पास जो यूरो यूरोनल जो ल्यूमिन था वो ओब्लिटरेट हो तो तो गया था इसके बाद इसके अंदर अपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी अपोप्टोसिस के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एनल पिट की फॉर्मेशन हो जाएगी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एनल कनाल की तो जब हम एनल कनाल की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने कहा कि जो सुपीरियर टू थर्ड होता है अडल्ट एनल कनाल का वो ड्राइव होता है फर्स्ट करें ये हमारे पास है एनल एल कनाल तो जो इसका सुपीरियर टू थर्ड है सुपीरियर टू थर्ड वो हमारे पास ड्राइव होता है फ्रॉम द गट हाइंडगढ़ गट से डिवेल हो रहा है उसके तो अलावा जो इसका इंफीरियर वन थर्ड है वो ड्राइव हो रहा है फ्रॉम द एनल पिट एनल पिट एनल पिट कैसे बनी थी कि हमने देखा था कि जो एनोरेक्टल uh, जो ल्यूमिन था वो बाद में जब रिकेनालाइज हुआ था तो उससे हमारे पास एनल पिट बनी थी जो इन्फीरियर वन थर्ड पोर्शन होता है एनल कनाल का वो हमारे पास बनता है एनल पिट्स अब यहाँ पे uh, ये जो दो पोर्शन हैं इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं पैक्टिनेट लाइन पैक्टिनेट लाइन लाइन को हम बोलते हैं लाइन जो कि सेपरेट कर रही है उस पोर्शन ऑफ एनल को जो कि गट से डिवेलप हुआ है फ्रॉम द डेट पोर्शन ऑफ द डेट इज डिप फ्रॉम द एनल पिट अब यहां की जो एपिथीलियम है वो डिफर कर रही होती है uh, जो सुपीरियर uh, इसके अलावा ये एक तो होगी पैक्टिनेट लाइन एक और लाइन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो तो एनल कनाल की ओपनिंग होती है उससे टू सेंटीमीटर अबव यहाँ पे एक और लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन या खाली वाइट लाइन भी बोल सकते हैं टू सेंटीमीटर अबव द ओपनिंग ऑफ एनल कनाल यहाँ पे एक और लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइट लाइन इस वाइट लाइन के नीचे वाली जो एपिथीलियम होती है वो हमारे पास होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम और इससे जो ऊपर एपिथीलियम होती है वो होती है हमारे पास सिंपल कोलमर एपिथीलियम, सिंपल कोलमर एपिथीलियम। इसके अलावा बात करें तो जो जो पैक्टिनेट लाइन होती है ये डिवाइड करती है एनल कनाल को दो पोर्शन के अंदर जो हाइंडगट वाला पोर्शन है वो एंडोडर्म से ड्राइव होता है जबकि जो एनल पिट वाला पोर्शन है वो हमारे तो पास एक्टोडर्म से डराइव हुआ अब इसकी क्या वजह हमने जब गेस्ट्रोलेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास थ्री जम लेयर्स बनती हैं कुछ इस तरह से सबसे पहले हमारे पास थी एक्टोडम मीजोडम एंड एंडोडम जबकि दो पोर्शंस ऐसे थे जहाँ पे मीजोडम प्रेजेंट नहीं थी क्रेनियली औरफ्रेंजल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्रेनियली औरफ्रेंजियल मेमब्रेन ऐसा पॉइंट था जहाँ पे एक्ट्रोडम एंड्रोडम के साथ कंटिन्यूस थी और कोर्डली जो हमारे पास को मेमब्रेन थी उसके लेवल के ऊपर जो एक्ट्रोडम थी वो एंड्रोडम के साथ फ्यूज हुई थी यहाँ पे मीजोडम प्रेजेंट नहीं थी अब ये वाली जो पॉइंट है यानी को मेमब्रेन जहाँ पर रैप्चर हुई है वहाँ से ही बेसिकली हमारे पास एनल पिट भी बनी है तो ये वाला जो पॉइंट है पैक्टीनिएट लाइन वाला वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में फ्यूज़ हैं यानी मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसी वजह से यहाँ पे जो सुपीरियर टू थर्ड पोर्शन है हाइंड गट का यहाँ पे एंडोडर्म इसको बना रही है जबकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारे पास एक्टोडर्म से बन रहा है और एपिथीलियम का भी डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास एनल कनाल का उसके अलावा आखिरी पॉइंट ये आता है कि जो अदर uh, लेयर्स होती हैं वॉल्स ऑफ एनल कनाल की वो ड्राई होती हैं काइम से और जो स्किन होती है एनस की वो भी हमारे पास कैरेटिनाइज होती है स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज तो ये थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल